माया छाया वराकी कथमिव लभताम मय्यनन्ते प्रतिष्ठाम अस्थाने चेश्वरत्वं द्रविण हरिहरा हंत वहने स्फुरंगा अद्वैते द्वैत खेला गगन नरिनवत स्वप्नवत जीव मेला श्री पूर्णानंद वाणी श्रुति शिखर सुधा स्वर्णदी नुनातु अभिनव नवनीत स्निग्धमापीत दुग्धम दधिरा परिदीर्घम मुग्धमंगम मुरारे दिशतो भुवन कृच्छ्रच्छेदी तापिच्छ गुच्छच्छ विनव सिखितिच्छेर लांछितम वांछितम नहा ओम। भगवान श्री कृष्ण की लीला अनुग्रह का आविर्भाव है ऐसा वल्लभ मत है, और ये प्रेम शक्ति का महाप्रकाश है ये श्री चैतन्य महाप्रभु का मत है। जसोदा मैया का प्रेम कृष्ण को बांध देता है ये चैतन्य मत है, और श्री कृष्ण का अनुग्रह उनकी करुणा उनकी पुष्टि यहां तक उनको ले आती है कि वे रस्सी में बंध जाते हैं। देखो लीला एक ही है कि भगवान रस्सी से बंध गए पर दृष्टिकोण तो ऐसे करुणा करुणालय भगवान का भजन नहीं करें तो और किसका करें। जो अपने भक्तों के हाथ रस्सी से बंध जाता है और ऐसा प्रेम भगवान से न करें तो और किससे करें कि प्रेम भगवान को बांध लेता है। ये उखल बंधन लीला पर दो दृष्टि आपको सुनाई, वैसे बहुत है। एक देखो समाज की दृष्टि क्या है, आदर्श है, भला बंधने में क्या आदर्श है कि स्वयं बंधन में पड़ जाए और दूसरों को मुक्त कर दे, ये कितना बड़ा आदर्श है। नलकूबर मणिग्रीव को मुक्त करने के लिए स्वयं बंधन स्वीकार करना ये तो आदर्श की पराकाष्ठा है। गांधी जी की चर्चा करते हैं तो कहते हैं कि देश को स्वतंत्र करने के लिए जेल खाने में गए, और श्री कृष्ण की चर्चा करें तो वृक्ष योनि में पड़े हुए जो दो देवता हैं उनका उद्धार करने के लिए भगवान ने अपने को उखल में रस्सी से बंधवा दिया और उनका उद्धार किया। ये कितनी बड़ी बात है। और भी इसके दृष्टिकोण हैं, वो तो जिधर से आप देख लो उधर से ठीक दिख जाएगा। अच्छा, तो पहली बात ये सुनाई आपको कि जसोदा माता स्वयं दधि मंथन करते हैं, दूसरों के द्वारा मथा हुआ दधि हमारे लाला को प्रिय नहीं लगे, और यशोदा इसलिए भी कि जो यश समग्र जस के आधार भगवान में पहले से नहीं है, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रियः ज्ञान वैराग्येश्चैव शरणं भगैतीरणा, उन भगवान को भी जो और यश दे दे। वर्णन करते हैं गोस्वामी जी, सुंदरता कह सुंदर करे छवि गृह दीप सिखा जन बरे, जो सुंदरता को सुंदर बनावे जो छवि गृह की दीप सिखा हो वहां तो सौंदर्य है ना। तो जसोदा मैया में सौंदर्य क्या है, माधुर्य क्या है, औदार्य क्या है,
परम यशस्वी भगवान को भी और अधिक यशस्वी बना देना कि वे मुक्त होने पर भी भक्तों की के लिए भक्तों की दृष्टि से भक्त होते हैं। अच्छा, माँ का दर्शन कराया, भक्त के दर्शन से भगवान का दर्शन होता है। मुख में भगवत गुणानुवाद का गान है, हृदय में भगवान मूर्ति का स्मरण है और शरीर से भगवत सेवा के लिए कर्म है। यानी यानी गीतानी तद्बाल चरितानि च दधि निर्मन्थने काले स्मरन्ति तान्यगायत। प्रेम की बोली का नाम संगीत है और प्रेम की चाल का नाम नृत्य है। ये दोनों प्रेम के विलास हैं। संगीत भी प्रेम का विलास है और नृत्य भी प्रेम का विलास है। जसोदा माता का दर्शन कराया, सौमम वासः पृथुकटितटे बिभ्रति सूत्रनद्धम पुत्रस्नेहस्नुत कुचजुगम जात कंपम च सुभ्रू। माँ को अपने पुत्र के लिए दधि मंथन करने में न शरीर का ध्यान है न श्रृंगार का ध्यान है। कवर विगलन मालती निर्ममंथा, जूड़े से मालती के पुष्प गिरते जा रहे हैं। स्विन्नम वक्रम, मुख पर स्वेद है, ये प्रेम है जिसमें अपना श्रृंगार और अपना शरीर भूल जाता है। प्रपंच की विस्मृति और भगवदासक्ति, ये भजन के दो अंग हैं। भंजनम भक्ति, ये प्रपंच विस्मृति है। भंजो आमर्दने धातु से भक्ति शब्द निष्पन्न होता है। और भज सेवाया जनम भक्ति, भागो भक्ति। अच्छा जी, आओ, माता का दर्शन करो। इसके बाद आप आदर्श की दृष्टि से देखें, क्योंकि हमारा मुख्य दृष्टिकोण वही है, श्री कृष्ण की लीला में आदर्श। ईश्वर बंधने जा रहा है, बंधन में पड़ने जा रहा है, तो उसमें से ये निकलना चाहिए कि एक मुक्त पुरुष भी बंधन दशा में कैसे पहुंच जाता है। सावधान, पहले श्री कृष्ण के मन में दूध पीने की कामना का उदय हुआ। ताम स्तन्य काम आसाध्य, बस जब काम आवे मन में तो समझना कि अब बंधन की दिशा में चले। ताम स्तन्य काम आसा। अच्छा, जब पीने लगे, दूध मिलना भी कामना की पूर्ति भी कठिन होती है। वो जो माँ दधि मंथन कर रही थी उसका निषेध करना पड़ा, निषेधत प्रीति मागा, अनुभव था इन तीनों को छोड़ देना। अच्छा, इसके बाद मृषाश्रु दम्भाया, मृषाश्रु माने दम, आंसू वास्तव में निकलते नहीं, निकालना पड़ता। फिर भय पलायन, जसोदा मैया डंडा लेके पीछे पड़ी और भागना पड़ा, और भागने के बाद पकड़े गए, और पकड़े जाने के बाद बांधे गए। लो, काम क्रोध लोभ को स्वीकार करोगे तुम तो क्या होगा, भगवान ने दिखा दिया, सीखने की बात है, कैसे बचना चाहिए, मुक्त कैसे होंगे, छूटेंगे कैसे, छूटेंगे जब बाबा आवेगा तब छूटेंगे। नंद बाबा ने आके वो बिना गुरु के बंधन से मुक्त करने वाला कोई नहीं। देखो, आप लीला का एक दिशा निर्देश जैसे कहते हैं, दिशा निर्देश। अब दूसरी दृष्टि से देखते हैं,
भक्त की प्रसन्नता के लिए भगवान क्या क्या नहीं हो जाते। जसोदा मैया का ऐसा प्रेम, ईश्वर की ईश्वरता ही, प्रेम के आवेश में ईश्वर की ईश्वरता का ऐश्वर्य का लोप हो जाता है। कोई प्रेम से आक्रांत हो और अपना ऐश्वर्य भी दिखावे, ये दोनों एक साथ नहीं चलते। महाकवि कर्णपूर ने वर्णन किया है कि गोपियों की बात सुनने के लिए जब श्री कृष्ण आंख बंद करके नींद का अभिनय करते हैं तो वो चाहते हैं कि आंख न खुले, नहीं तो ये समझ जाएंगी कि जागता है, तब भी आंख खुल जाती है। वो चाहते हैं होठों पर मुस्कान न आवे, नहीं तो पकड़े जाएंगे, पर होठों पर मुस्कान आ जाती है। वो चाहते हैं शरीर में रोमांच न हो, आप एक बार भगवान की ओर ध्यान से देख लो। स्तोक स्तोक निरुध्यमान नयन प्रस्यंदी मंदस्मितम प्रेमोद्भेद निरर्गल प्रसृमर प्रव्यक्तरो श्रोतुम श्रोत्र मनोहरम ब्रजबधू लीला मिथो जल्पितम मिथ्यास्वापमुपास्महे भगवता क्रीडा निमीलदृशः। खेल खेल में आंख बंद कर ली, मिथ्याशयन, मिथ्या शयन भगवान है, मिथ्या स्वापम उपासमहे, हम भगवान की नहीं भगवान की उस झूठी नींद की उपासना करते हैं। नारायण देखो, स्वयं भक्त लोग भगवान के पास जाते हैं, यहां भगवान स्वयं उठ के भक्त के पास आते हैं। भक्त के हृदय में भगवत प्राप्ति की कामना होती है, यहां भगवान के हृदय में भक्त की प्राप्ति की कामना। भक्त चाहता है कि हम मक्खन खिलावें भगवान को, और भगवान कहते हैं नहीं, हम मक्खन नहीं खाएंगे, तुम्हारा दूध पिएंगे। देखो दोनों में फर्क है कि नहीं, एक कदम आगे बढ़ गए। मैया चाहती है दधि मंथन से जो नवनीत निकलता है वो कृष्ण को खिलाना, और कृष्ण कहते हैं कि नहीं मैया, मैं तो जिस हृदय में प्रेम है उस हृदय से जो दूध पैदा होता है वो पीऊंगा। ये ममता हो गई अधिक, मैया से अधिक ममता हो गई कृष्ण। तमंग मारूढ़ स्तनम, इस प्रसंग को विस्तार से नहीं सुनाना, केवल आपको सुनाया। अब दूसरी दिशा देख, मैया ने बांध लिया, बांधने में जोग माया ने थोड़ी बहुत लड़ाई करी, हम नहीं बांधने देंगे, दो अंगुल और रस्सी की जो कमी है ना, एक अंगुल है मां का ये अभिमान कि मैं बांध लूंगी, बांधूंगी आज तुम्हें कौन छोड़े, और दूसरी ओर जे जथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजामि अहम्, एक अंगुल भगवान की दूरी। जब देखा कि मैया का अभिमान टूट गया, थक गई, स्वमातु स्विन्न गात्राया विश्रस्त कबरस्त्रज दृष्ट्वा परिश्रमम कृष्णः कृपयासीत स्वबंधने, जब तक मां श्रांत नहीं हुई थी और जब तक श्री कृष्ण के हृदय में कृपा का उदय नहीं हुआ था तब तक दो अंगुल की पूर्ति नहीं होती थी। कृपया सीत स्व बंधने, पराये के बंधन में तो आए नहीं, स्व के बंधन में आ गए। अब दूसरी ओर देखो कि भगवान ने दो अर्जुन वृक्षों की ओर देखा जो गोकुल गांव में है, नंद बाबा की जो पूर्वाभिमुख सिंह पौरी है उसके सामने की ओर निकले हो आप,
तो क्या सुनावे, आप स्वयं जानते हैं। स्मारे त्वाम न शिक्षे, आपको स्मरण दिलाता हूं, शिक्षण नहीं देता हूं। एक भगवान, दूसरे उनकी कमर में माता के द्वारा लगाई हुई रस्सी, माता के द्वारा लगाई हुई रस्सी है, उस रस्सी के साथ बंधा हुआ उलूक कर, माने रस्सी कृष्ण के कमर में स्वाभाविक नहीं है, अध्यारोपित है। ये गुण जो है भगवान में, परमात्मा में, ब्रह्म में, ये गुण उसका स्वरूप नहीं है, सहज नहीं है, माता के द्वारा अध्यारोपित है, बीच में लगा दिया है। न यादव नामते केवलम मध्य, अध्यस्त न आदि में है न अंत में है, केवल प्रतीति मात्र मध्य में ही है। इसी से दामोदर संग मैया के द्वारा अध्यारोपित रस्सी और उस रस्सी के साथ बंधा हुआ उखल, नामैक देशक ग्रहण है, नाम मात्र ग्रहण, खल, उस खल में ये सामर्थ्य है कि बंधन में पड़े हुए जड़ता को प्राप्त देवता का उद्धार कर सके। भगवान में कितना सामर्थ्य होगा, भगवान की करुणा में कितना सामर्थ्य होगा, अभी तो कैमुतिक मंडली जुड़ जाएगी। जब उनके अध्यारोपित, उनके साथ अध्यारोपित गुण में और गुण के साथ संलग्न खल में इतना सामर्थ्य है कि वो जड़ का उद्धार कर सके, तो स्वयं भगवान में कितना सामर्थ्य, उनके भक्त में कितना सामर्थ्य, उनकी भक्ति में कितना सामर्थ्य, उनके गुणानुवाद में कितना सामर्थ्य, ये देखो। अब देखो महापुरुष की महिमा के प्रसंग में यदि इसको देखो, ये भागवत धर्म है कि वृक्ष भी भगवान का भक्त होता है। अजामिल की चर्चा छोड़ो, यदि अजामिल के द्वारा उच्चारण किया हुआ नाम नाम नहीं था, नामाभास था, ग्रणन पुत्रोपचारितम, तो पूतना के द्वारा पिलाया हुआ दूध दूध नहीं था, दुग्धाभास भी नहीं था, विष था, और विष पिलाने वाले को माता की गति मिली। ये है भागवत धर्म। इसमें जीव का पौरुष काम नहीं करता है, इसमें भगवान का अनुग्रह काम करता है। अजामिल के द्वारा उच्चारित नाम नहीं, उस नाम में जो भगवान का सामर्थ्य है वो काम करता है। नामानि कृत्वाभिवदन यदास्ते, परमात्मा स्वयं अपना नाम धारण करता है और स्वयं गाता रहता है। यदि कोई आभास मात्र, ये वेद का मंत्र है, नामानि कृत्वा विवदन यदा हस्ते, यदि कोई आभास मात्र नाम ले तो लेने वाले का धर्म नहीं है वो कि वो अपने धर्म से कल्याण प्राप्त कर गया, वो तो नाम के नामी का धर्म है कि उसके संस्पर्श से उसका कल्याण हो गया। पूतना का कल्याण, पूतना के धर्म से पूतना को माता की गति नहीं मिली। अंगम यस्या समाक्रम्य भगवान अपिबत स्तनम या धान्यपि सा स्वर्गम अवाप जननी गतिम। तो देखो वृक्ष भी भक्त होते हैं, वृक्ष जागृत तो नहीं हो सकता ना, यज्ञ जागादि रूप जो धर्म है उसका अनुष्ठान वृक्ष नहीं कर सकता, परंतु वृक्ष भक्त हो सकता है। तो कैसे हुआ, नारद जी के अनुग्रह, अनुग्रहार्थाय का अर्थ किया है श्रीधर स्वामी ने
अनुग्रह स्वधर्माविर्भाव अर्थ भगवत प्राप्ति, दो अर्थ करते हैं, अर्थ का अर्थ अलग और अनुग्रह का अर्थ अलग। नारद जी ने पहले नल कुबर मणिग्रीव को वृक्ष की जोनी देकर स्वधर्म का आविर्भाव किया, माने तुम लोग वृक्ष रहते हुए भी स्मृति ही तत्रापि मदनुग्रह, वृक्ष जोनी में भी भगवान का स्मरण है, ये नारद का अनुग्रह। आप अनुग्रह पर कभी ध्यान दें, संत का अनुग्रह, संत का अनुग्रह नल कुबर मणिग्रीव जैसे सराबी परस्त्रीगामी उद्धत द्युति, उनके हृदय में भगवत भक्ति का आविर्भाव कर देता है और उनके उद्धार के लिए स्वयं भगवान बद्ध हो जाते हैं। भगवान ने कहा कि मुझे आज मैया ने नहीं बांधा है, तब का जिस दिन देवर्षि ने ये वरदान दिया कि नल कुबर मणिग्रीव तुम्हें भगवत प्राप्ति होगी, उसी दिन का बंधा हुआ हूं मैं। देखो, ये सत्पुरुष जो है वो दूसरे की मुक्ति के लिए स्वयं बंध जाता है। आगे आपको लीला तो यही है, नंद बाबा ने आके मुक्त कर दिया। न स्वतोस्ति मम बंधनम क्वचित, न स्वतोस्ति मम मोचनम क्वचित, न मुझ में बंधन है न मुझ में मुक्ति है। माता ने बांध दिया, पिता ने खोल दिया, उन्होंने बंधन लगाया। अध्यारोपापवादाभ्याम निष्प्रपंचाम प्रपंचयते, हो गया। ये श्री कृष्ण लीला जैमिनीय सिद्धांत के तराजू पर तोलने के लिए नहीं है, ये तो वैयासिक न्याय का विषय है और ये औपनिषद है, ये पूर्व मीमांसा का विषय नहीं है, उत्तर मीमांसा का विषय है। इसमें कर्म से फल नहीं मिलता, ईश्वर से फल मिलता है, फलमतः उपपत्ते। अच्छा जी, अब देखो, तो छोड़ दिया बाबा ने, अब नचाती हैं गोपियां तो नाचते हैं, डांटती हैं तो डर जाते हैं, बाट मंगाती हैं तो बाट भी आते हैं, सर्वथा गोपियों के प्रेम पर अपने ऐश्वर्य को निछावर करके फेंक दिया बाहर, जाओ हरिद्वार की ओर जाओ। अपने ऐश्वर्य से श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि तुम मथुरा में जाके रहो, द्वारका में जाके रहो, ये गोपी गोपों के राज्य में ऐश्वर्य का काम नहीं है। उनके प्रेम पर निछावर कर दिया और ऐश्वर्यहीन ईश्वर, असल में जो ऐश्वर्य का परित्याग कर सकता है वही वास्तविक ईश्वर है। वेदांती तो कहते ही हैं कि ऐश्वर्य उपाधिक है, तो अब उसमें और कुछ कहने की बात नहीं रह गई। तो ऐश्वर्य छोड़कर ऐश्वर्यहीन ईश्वर माने परम मधुर ईश्वर, परम मधुर ब्रह्म, मधुर ब्रह्म ऐश्वर्यहीन। आगे एक आप देखो प्रसंग क्या है भगवान की लीला में। असल में ये प्रसंग किसी पुराण इतिहास में अन्यत्र मिलना दुर्लभ। वो क्या है कि ग्वाल बालों के साथ श्री कृष्ण क्रीड़ा कर रहे हैं, मिल गए वो, और कैसे मिले कि उनको कुछ अपने में छोटा बड़ा किसी ग्वाल बाल को मालूम ही न पड़े, तो अघासुर आते हैं। अघ शब्द का अर्थ होता है संस्कृत भाषा में जो भोग के बिना न मरे उसका नाम अघ, न हन्यते भोगम बिना इति अघा,
जो भोग के बिना मरता नहीं, भोग देता है। भोगा देव पापक क्षय, भोग से ही पाप का क्षय होता है। अघासुर का स्वरूप बताया, जो दूसरे का सुख न देख सके, तेषाम सुख क्रीडन वीक्षणा क्षमा। ग्वाल बालों को जो सुख मिल रहा है श्री कृष्ण के साथ खेलने में, वो उससे देखा नहीं गया, आके अपना बड़ा प्रबल रूप उसने प्रकट किया, नीचे के होठ धरती में, ऊपर के होठ आकाश में, बड़ा भयंकर वर्णन है। वहां देखना यह है कि बछड़े भी उसके मुंह में प्रविष्ट हो गए, इतना भयंकर पाप था, और ग्वाल बाल भी उसके मुख में प्रविष्ट हो गए। अच्छा, यदि कभी अपना भक्त प्रेमी पाप में चला जाए तो क्या सत्पुरुष उसको छोड़ेगा? अरे भाई, सत्पुरुष को पकड़ना ही आता है, छोड़ना नहीं आता। भगवान ने कहा, जहां हमारे भक्त, जहां हमारे प्रेमी, वहां मैं। वे स्वयं अघासुर के मुख में प्रविष्ट हो गए। आप देखो, ये भागवत धर्म की विशेषता है। अघासुर को ये क्या मालूम था कि ये साक्षात भगवान है? नहीं मालूम था। बोला, क्या उसने भगवान को अपने भीतर लेने का प्रयास किया? कब? भगवान को नहीं, ग्वाले कृष्ण को अपने भीतर लेने का प्रयास किया। उसने कोई ध्यान किया, भजन किया, जप किया? नहीं। नारायण, हुआ क्या? जब श्री कृष्ण उसके मुख के भीतर प्रविष्ट हो गए, उसने तो नाम भी नहीं लिया, अपना मुख बंद कर लिया, और देवा हाहे थी चुक्रुसो, देवता लोग हाय 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 करने, उनके मुंह में भी भगवान का नाम नहीं आया, हाय हाय करने। ये नहीं, तुम साक्षात नारायण हो, साक्षात ब्रह्म हो, अघासुर में क्या रखा है, ऐसे किसी देवता को नहीं सूझा हो, वो भी प्रीति विवश हो गए, हाय हाय करने लगे, प्रेम में ईश्वर दिखता नहीं है, और वो बुलाने लगे अपने हाहा हाहा नाम के गंधर्व को, पुकारने लगे, हे हाहा हे हू हू हाहा हू हू नाम के जो गंधर्व है उनको पुकारने लगे, हा हे दि चुक्रुसो। इस प्रसंग में हुआ क्या? देखो, अघासुर कोई पुण्यात्मा है? वो तो स्वयं में आग है। उसको क्या श्री कृष्ण के श्री कृष्ण होने का ज्ञान है? का ज्ञान भी नहीं है। अज्ञानाद अथवा ज्ञानाद, जैसे उत्तम श्लोक नाम कल्याण करता है, वैसे ही अज्ञानाद अथवा ज्ञानाद भगवत रूप भी कल्याण करता है। इसी का नाम भागवत धर्म है। नन्वीश्वरो नुभजतो विदुषो भी साक्षात श्रेयस्तनो त्यगदराज इवोपयुक्ता। इसमें ज्ञान की शर्त नहीं है, नहीं जानता है, उसमें धर्म का सामर्थ्य नहीं है, अर्थी नहीं है। न अघासुर अर्थी है कि हमको भगवान मिले, न उसमें भगवत भगवान की प्राप्ति के लिए सामर्थ्य है, न तो वो भगवान को पहचानता है। अर्थी समर्थो विद्वान, जो अधिकार संपदा चाहिए तो वो उसमें है नहीं। परंतु भगवान ने देखा कि हमारे बछड़े गए इसके मुख में, हमारे ग्वाल गए, और जहां हमारे भक्त हैं, यदि वहां हम नहीं रहेंगे तो फिर भक्ति की मर्यादा ही मिट जाएगी, प्रविष्ट हो गए, और उसने अपना मुख बंद किया। भगवान ने कहा, बेटा विपरीत कर रहे हो, मुख में नाम चाहिए, मूर्ति नहीं। मुख में रखने के लिए तो भगवान नाम होता है, मुख में रखने के लिए रूप थोड़ी होता है, गलत कर रहे हो। अच्छा, तुम गलत कर रहे हो तो हम तुम्हारी सांप प्राणों का द्वार रोक देते हैं, कुछ ब्याज तो चाहिए। तो उन्होंने कहा, अच्छा तुमने हमारा द्वार रोक दिया तो हम तुम्हारे द्वार से जाते हैं, प्राण ब्रह्मरंध्र से निकले और
जब श्री कृष्णा अघासुर के मुख से निकले तब आकाश में तब तक उसका ज्योतिर्मय रूप स्थिर रहा, प्रविश्य खेव स्थितम, प्रतीक्ष्य खेव स्थितम, उसने श्री कृष्ण की प्रतीक्षा की। आकाश में स्थित होके जब श्री कृष्ण मिले तब उनसे ये भी एक आश्चर्य हुआ। श्री कृष्ण के निकलने से पहले उसके प्राण निकल गए और वो आकाश में प्रतीक्षा करते रहे और श्री कृष्ण में प्रविष्ट हो गए। ये साक्षात अघ को ही मुक्ति देने का जो प्रसंग है, ये पापी की मुक्ति नहीं है, ये तो पाप की मुक्ति है। लोग कहते हैं ना, पाप से घृणा करो पापी से नहीं। ये भगवान तो, हमारे भगवान तो ये जहां कर्म साम्य का, अधःपात का, शक्तिपात का जहां प्रसंग आता है तंत्रों में, बहुत अद्भुत होता है, ये व्यवस्थित है बिल्कुल, हो शास्त्रीय है, दर्शन शास्त्रानुमोदित है, उपासना शास्त्रानुमोदित है। गुरु के गुरुत्व को कोई क्या पहचानेगा, ईश्वर के ईश्वरत्व को कोई क्या पहचानेगा। हुआ ये कि ब्रह्मा जी ने भी नहीं पहचाना, ये आगे कथा है। विधि शास्त्र के ज्ञाता ब्रह्मा त्रय्याम जडी कृतमतिर मधुपुष्पिता बैतानिके महति कर्मणि युज्यमानः। ब्रह्मा जी ने भी विधि है ना, वो विधि रूप है। उन्होंने कहा ये श्री कृष्ण ने अघ को मुक्ति दान किया, ये विधि शास्त्र के विपरीत है, एक निषिद्ध कर्म किया श्री कृष्ण ने, ये कोई मुक्ति का पात्र नहीं था। तो विधि की समझ में बात नहीं आई, जो विधि विधान में संलग्न है तो वो आए ब्रज में। देखो आपको ऐसे केवल इसका स्पर्श करके बताता हूं, और उन्होंने पहले बछड़ों को फिर ग्वाल बालों को चुरा लिया। ये एक चपत ब्रह्मा जी को लगी प्रारंभ में, आप ध्यान देना। वो तो आए श्री कृष्ण के काम को विधि से विपरीत बताने के लिए, और स्वयं उन्होंने विधि के विरुद्ध काम किया। चोरी करना क्या विहित है, ये क्या विधि के स्वरूप के, ब्रह्मा के स्वरूप के अनुरूप है, क्या शास्त्रीय विधि है। श्री कृष्ण ने अघासुर को मुक्ति दे दी, ये तो विधि के विरुद्ध है, और विधि ने ग्वाल बाल और बछड़ों की, प्राणियों की चोरी की हो, प्राणियों की चोरी की हो, कोई सोने की चोरी होती तो बात दूसरी, बछड़ों की चोरी की, ग्वाल बालों की चोरी। अच्छा आप प्रश्न है, वो चोरी क्यों गए, इसमें भी तो कुछ सीखने की बात होनी चाहिए ना। तो तृण लोभे न गह्वरम, बछड़े तो घास की लालच में आ गए और कृष्ण को पीछे छोड़कर जंगल में घुस गए, भववन में प्रविष्ट हो गए। अंतर्यामी जो प्रत्यगात्मा है उसको छोड़कर भववन में विषय घास चरने के लिए चले गए, और ग्वाल बाल बस खड़े हो के उनकी ओर देखे। अद्भुत लीला करी श्री कृष्ण ने, वहां भी विधि का उल्लंघन था। हासयन नर्म भिस्वई स्वर्गे लोके मिशति बुभुजे यज्ञ भुक बाल की, वहां का उल्लंघन था, सबके साथ खा रहे थे, रासलीला हो रही थी। जैसे गोपियों के साथ रास हुआ, वैसे ग्वाल बालों के साथ कृष्णस्य विश्वक पुरुराज मंडलई
मंडल पर मंडल, मंडल पर मंडल, सख्य रस का रास था यह। एक कृष्ण सबको मालूम पड़े हमारे बीच में। अच्छा, फिर हाथ में ग्रास लिए लिए ही भूने गए, ये भी तो क्या विधि विधान है। अब श्री कृष्ण तो हैं बीच में बैठे हुए और ग्वाल बाल बछड़ों के लिए व्याकुल हो गए, ये भी ठीक नहीं है। और प्रेमी रोता है तो अपने प्यारे के लिए, प्रेमी हंसता है तो अपने प्यारे को हंसाने के लिए। दूसरे के संबंध से हंसना भी प्रेम की पहचान नहीं है और दूसरे के संबंध से रोना भी प्रेम की पहचान नहीं है। जिससे प्रेम है उसको छोड़कर दूसरे के लिए क्यों रोएंगे, दूसरे के लिए क्यों हंसेंगे, दूसरे के लिए क्यों व्याकुल होंगे, वो तो उसी उसी की लीला दिखती है। भगवान ने कहा कि अच्छा, मैया ने पहले पूतना को देखा था, भीड़ को देखा था और घर के काम को देखा था, तब तब मैं छोड़ के चला गया। हमारे ग्वाल वालों, तुम लोग बछड़ों को देखते हो तो हम बछड़ों के पास जाते हैं, ढूंढने चले गए और ब्रह्मा जी ने हरण कर लिया, विधि के चंगुल में पड़ गए। मूर्ख भी विधि विधान के चंगुल में पड़ जाते हैं और संसार के लोभी संसारासक्त भी तो उसमें फंस जाते हैं, उन्हीं के लिए तो विधि है। अच्छा, अब हम और प्रसंग न सुना के ये सुनाते हैं आपको कि श्री कृष्ण ने इस समय जो प्रकट की लीला वो क्या है। एक वैयाकरण आ जाए सामने और उससे हम वेद मंत्र की चर्चा करने लगे तो गलत होगा। हमारे पास एक वैयाकरण आया इंटरव्यू के लिए, वो मैं गीता प्रेस में था जब, तो शरीरम यदवापनोति जच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः, इस श्लोक का अर्थ मैंने उससे कहा कि तुम ठीक ठीक हमको सुना दे। व्याकरणाचार था। अब वो ईश्वर शब्द का अर्थ उसके ध्यान में आवे ही नहीं। आप लोग तो गीता पढ़ते होंगे ना, ईश्वर शब्द का अर्थ वहां जीव है, वो ईश्वर नहीं है, समर्थ अर्थ में है, परंतु जीव ही समर्थ है वहां। शरीरम यदवापनोति यच्चाप्युत्क्रामति ईश्वरः गृहीत्वै तानि संजाति वायुर्गंधानि वासयात्। नहीं आया ध्यान में। अच्छा, भागवत का पूछ दिया, स एष जीवो विवर प्रसूति ही। अब जीव शब्द का अर्थ ईश्वर है ये उसके ध्यान में ना आवे। जीव शब्द का अर्थ ईश्वर है और ईश्वर शब्द का अर्थ जीव है। कितना भी परिश्रम करो अन्वय तो लगे नहीं। तो वैयाकरण के सामने वैदिक नहीं बनना, वैदिक के सामने वैयाकरण नहीं बनना। यत्र वैयाकरणास् तत्र वैदिकाः, यत्र वैदिकास् तत्र वैयाकरणः। जो गुण आता है उसमें अपना वैशिष्ट्य दिखाना। तो ब्रह्मा में सृष्टि विधान चातुरी, दुनिया बनाने का चातुर्य ब्रह्मा में है। तो भगवान ने कहा, अच्छा इस विषय में ब्रह्मा जी तुम बड़े निपुण हो, पर एक बात आपके ध्यान में है कि नहीं, ब्रह्मा जी उपादान नहीं बनाते। प्रकृति, महंकार, पंचभूत, ये सब ब्रह्मा जी के बनाए हुए नहीं है, इनसे तो ब्रह्मा जी स्वयं बनते हैं। ब्रह्मा जी का शरीर ही इनसे बनता है। तो ये बनाते क्या है, जीव पहले से अंत अनादि, प्रकृति प्राकृत पहले से, वासनावान अंतकरण पहले से, उसका फलदानोन्मुख प्रारब्ध पहले से, उसके अनुसार जीव को उठा के एक शरीर में डाल देते हैं। ब्रह्मा जी का तो इतना ही है, इतना ही कौशल है। श्री कृष्ण ने जो कौशल दिखाया ब्रह्मा को, उसमें न प्रकृति है, न महत्तत्व है, न अहम है, न पंच तन्मात्रा है, न पंचभूत है, सर्वम विष्णुमयम। स्वयं प्रकृति, महत्तत्व, अहंकार तत्व सब बन के प्रकट हो गए और उसमें
वही ग्वाल बाल, वही उनकी स्मृति, वही संस्कार, वही पहचान, वही काम, वही शील स्वभाव, वत्सकाल्पक बपुर यावत करांग्र्यादि काम, ऐसे बन गए, ऐसे बन गए। सर्वम वैष्णुमयम गिरोंगवदजा सर्वस्वरूपो बभव, वहां उपादान भी वही है, निमित्त भी वही है, सहकारी कारण भी वही है। आप चुनौती देके दुनिया के किसी भी मजहब से कह सकते हो कि परमात्मा के स्वरूप का ऐसा वर्णन तुम अपने मजहब में दिखा दो। अभिन्न निमित्तोपादान कारण, ये तो दुनिया में और कहीं है ही नहीं है। हैं सब धर्म बराबर हैं, सब धर्म ग्रंथ बराबर हैं, ठीक है, परंतु ये बात तो कहीं दुनिया में है ही नहीं। बिल्कुल आंखों के सामने साक्षात अपरोक्ष परमेश्वर का अनुभव किसको होता है बताओ? किसी धर्म का मजहब का नाम लो जिसमें साक्षात अपरोक्ष परमात्मा का अनुभव होता हो। सर्वस्वरूपो भव, इसी से मूर्ति पूजा सिद्ध होती है। जो ये नहीं मानेगा उसकी मूर्ति पूजा सिद्ध नहीं हो सकेगी। इसी से अवतार सिद्ध होता है, इसी से सालग्राम पूजा अश्वत्थ पूजा सिद्ध होती है, इसी से गो पूजा, पति पूजा, पितृ पूजा, गुरु पूजा, सर्वस्वरूपो भव, इसी से सिद्ध होती है। और यदि परमात्मा केवल निराकार हो और आकार प्राकृत हो, जड़ हो, तो न अवतार सिद्ध होगा, न मूर्ति पूजा सिद्ध होगी, केवल बुद्धि वैभव दिखाना पड़ेगा। हम ये तो कह सकते हैं कि हमारी इतनी प्रबल बुद्धि है कि हमने अपनी बुद्धि से ईश्वर को सिद्ध कर दिया, पर ईश्वर सिद्ध हुआ कि बुद्धि सिद्ध हुई? ईश्वर सिद्ध नहीं हुआ, बुद्धि सिद्ध हुई। बोला वो गीत है, ऐसी प्रतिभा है विलक्षण, नव नवोन्मेष शालिनी, प्रतिभा है विलक्षण कि ये सिद्ध हो गई कि बड़ी प्रबल है, परमेश्वर कहां दिखा है? इसी से परमात्मा का वर्णन केवल श्रद्धा मूलक नहीं होता है, अनुभव पर्यवसान होता है। स्वप्रकाश है, स्वानुभूति स्वरूप है, भगवान ने सब पंख दिखा दिया। और ब्रह्मा जी का जब मोह दूर हुआ तो स्तुति का भी, वहां जो दिखाया है उसमें सब रजोगुण, तमोगुण, सत्व गुण, प्रकृति, महत्त्व, बल्कि वहां तो उपनिषदों पर भी एक कटाक्ष कर दिया, अस्पृष्ट भूरि महात्म्या अपि उपनिषद दृशाम। उपनिषद जिनकी दृष्टि है, जिनकी आंखों में उपनिषद रहती है, वे लोग इनके महात्म्य का स्पर्श नहीं कर सकते। देखो ये एक बड़ी बात है, लेकिन कहो कि ये अनुपनिषद है तो नहीं, उपनिषद ही तो कहती है ना, न तत्र बाग गच्छति, ये भी वैदिक ही है कि वेद की वहां गति नहीं है। तो ब्रह्मा जी ने जो स्तुति की उसमें जो तत्व ज्ञान की चर्चा आई है वो इसी दृष्टि से आई है। कई आचार्य तो इसको प्रक्षिप्त मानते हैं, क्यों मानते हैं? उनके संप्रदाय सम्मत सिद्धांत में इसका अंतर्भाव ही नहीं होता है। तस्मादिदं जगदसे समसत्स्वरूपं स्वप्नाभमस्तभीषणं कुरु दुःख दुःखं त्वय्येव नित्य सुख बोधतना वनन्ते मायात उद्यदपि यत् सदिवावभाति अजानतां त्वत्पदवीमनात्मन। तो ये स्तुति जो ब्रह्मा जी की है वो उसी ब्रह्म स्वरूप की स्तुति है जिसका उपनिषदों में वर्णन है। प्रक्षेपवाद का खंडन श्री जीव गोस्वामी जी महाराज ने बड़ा ही पांडित्य पूर्ण किया है, तो नहीं ये प्रक्षिप्त नहीं है, ये संप्रदाय परंपरा से प्राप्त भागवत ही है।
उनके श्री जीव गोस्वामी जी ने श्रीमद् भागवत पर जितना श्रम किया है उतना किसी दूसरे आचार्य ने नहीं किया है। उनका क्रम संदर्भ है, उनका बृहद संदर्भ है, उनका सठ संदर्भ है, उनकी वैष्णव तोषिणी टीका है। सारा जीवन जैसे श्री जीव गोस्वामी जी महाराज ने श्रीमद् भागवत के अनुसंधान पर लगा दिया हो। अच्छा जी, फिर भगवान ने ब्रह्मा जी को तो विदा किया और स्वयं ग्वाल बालों में आ गए। वो तो वो जो माया के ग्वाल बाल ब्रह्मा जी ने माया के गोद में सुला दिया था, वो फिर आ गए भगवान अपने स्वरूप में। और ये लीला देखने योग्य है, इसमें आदर्श ही आदर्श भरा हुआ है। मैंने एक बार इसका मन ही मन अनुसंधान किया था, इस लीला का हमारी कल्पना से हमने देखा था कि श्री कृष्ण कैसे संपूर्ण जगत के रूप में। तो आपको ये बात सुनाता हूं, बिल्कुल अनुभवारूढ़ है ये लीला। वे सर्व हैं, सर्वातीत हैं, सर्वांतर्यामी हैं, सर्वाधिष्ठान हैं, वे सर्वावभासक हैं, अद्वितीय हैं, उनके अतिरिक्त और कोई नहीं। यही बात इस लीला के अंत में सर्वेषाम अपि वस्तूनां भावार्थो भवति स्थितः भवति कारण भवति इति भवत् तस्मिन् भवति कारण। सर्वेषाम अपि वस्तूनां भावार्थो भवति स्थितः तस्यापि भगवान् कृष्णः किमतद् वस्तु रूप्यताम्। ये भगवद रूप मखिलम नान्य वस्तुय किंचन, वस्तु तो जानता मत्र कृष्णम स्थाष्णु चरिष्णु च, श्री कृष्ण के सिवाय और कुछ सैव सर्वम परमार्थ भूतः, उद्धव जी ने कह दिया। ये लीला है। अच्छा आगे देखो, एक और तो इधर ब्रह्मा का मोह श्री कृष्ण को नहीं समझ पाते, इसके बाद तत्काल क्या बात बोलते हैं। श्री दामा ने कहा कि कृष्ण यहां ताल का बड़ा भारी जंगल है और उसको गधों ने रोक रखा है, बड़े भयंकर भयंकर गधे हैं, हैं? हमारा मन तो ताल का फल खाने का होता है। देखो एक और क्या महान स्वरूप का वर्णन किया और एक और श्री दामा के कहने से और श्री कृष्ण और बलराम, बलराम और श्री कृष्ण दोनों ताल के वन में जाते हैं और गधों को पीटते हैं। हो क्रोष्टा शब्द का प्रयोग, देहाध्यासो ही धेनुका, देहाध्यास का नाम धेनुक है और ताल शब्द का अर्थ है तार, रलयो रभेद प्रणव, और उसका फल क्या है कि बोले मोक्ष का। मोक्ष में बाधक क्या है कि देहाध्यास, ऐसे उसका प्रतीक। पर आप आदर्श इतने देखो कि अपने भक्त की एक साधारण इच्छा पूरी करने के लिए सबकी भलाई भी है उसमें। अच्छा वैसे हम लोगों के गांव में ताल के पेड़ पहले होते थे, पर हमारे पिता पितामा ने हमको मना कर रखा था कि ये तुम्हारे खाने का नहीं है। तो वहां चमार लोग हैं, डोम लोग हैं, छोटी जात के लोग हैं, तो वो उस फल को खाते थे पहले। हम लोगों के तो नहीं खाया जाता था, परंतु उनके लिए भी यदि वो ताल के फल अवरुद्ध हैं तो भगवान श्री कृष्ण सर्वसाधारण के सुख के लिए, ग्वाल बालों की इच्छा की पूर्ति के लिए उस वन में जाते हैं। ये एक आदर्श की बात है। सर्वसाधारण की भलाई का कोई काम हो, छोटा काम हो, तो वो भी अपने हाथ से करना चाहिए। ये नहीं कि हम बड़े हैं, ये छोटा काम कैसे करेंगे। अच्छा जी, फिर कालीनाग का प्रसंग है, ऐसे ही थोड़ा थोड़ा छू देते हैं। एक सज्जन तो कह रहे थे कि आप गोपियों की बात कब सुनाएंगे,
गोपियों में भी आदर्श ही सुनावेंगे हो, चीरहरण भी आदर्श है, चीरहरण भी आदर्श है, रास लीला भी आदर्श है, आदर्श ही आदर्श है। उसमें ये आक्षेप करने वाले तो गुरुमुख होते ही नहीं, मनमुख होते हैं। ये संस्कृत भाषा में सबसे बड़ी गाली उसको समझो। सजग विसपी दिक् प्रचारणाय कृतावतारः, इनका जन्म ही हुआ है कि सबके साथ मिलकर खाओ और सबकी सब चीज पियो। खाने पीने की जो मर्यादा है, अपने मन को नियंत्रित करने के लिए उसको छोड़ बैठते हैं। देखो, जमुना जल सबके लिए है, प्राकृत जो वस्तुएं होती हैं ना, ये जीव के लिए भगवान ने बनाई है। इस सृष्टम जीव भोग्याम, ईश्वर की रचना है और जीव को खाने पीने के लिए भगवान ने ये सृष्टि बनाई है। अब जमुना जी का इतना स्वच्छ जल, मैं कुछ समय तक नर्मदा जी के तट पर रहा हूं तो हमको ये अनुभव हुआ कि नर्मदा जी का जल ब्रह्मचर्य की संतुष्टि के लिए बहुत उपयोगी है। ये वहां रहने से, गंगा जी का जो जल है ना, वो ज्ञान वैराग्य को संतुष्ट करता है। ये तो ज्ञान प्रवाह है ही, ज्ञान प्रवाह विमलादिक साकाशिका हम निजगोधरूप। ये लो, जमुना जी का जो जल है ना, वो प्रेम देता है। उसमें प्रेम में सबसे बड़ा दोष है काम का आ जाना। काम और प्रेम दोनों में क्रिया संबंधी ज्यादा भेद नहीं है, परंतु काम की क्रिया का जो फल है सुख, वो अपनी ओर आता है, और प्रेम की क्रिया का जो सुख है वो प्रियतम की ओर जाता है। बड़ा सूक्ष्म अंतर है। प्रियतम को सुख पहुंचाने के लिए जो क्रिया की जाती है वो प्रेम के अंतर्गत आती है, और अपने को सुखी करने के लिए जो क्रिया की जाती है वो काम के अंतर्गत आती है। श्री चैतन्य चरितामृत में इस प्रसंग का बड़ा सुंदर शुद्ध विवरण प्राप्त होता है। बंगला साहित्य में कहने के लिए तो श्री चैतन्य चरितामृत चैतन्य का चरित्र है, परंतु वो भक्ति प्रेम का तो रत्नाकर है। मैंने बंगला लिपि से बहुत लाभ उठाया है। मैंने महाभारत भी पहले नीलकंठी जी का 10 रुपए में मिलती थी, तो सस्ता होने के कारण वही लिया हो। ये बसुमती साहित्य का प्रकाशन था, 5 रुपए में श्रीधरी जी का सहित श्रीमद् भागवत उन दिनों में, और 2 रुपए में विष्णु पुराण। तो अपने विद्यार्थी जीवन के खर्च में से बचा के, है ना, हरिभक्ति रसामृत सिंधु उज्ज्वल नीलमणि, एक संस्कृत में चैतन्य चरितामृत है, चैतन्य भागवत, चैतन्य चंद्रोदय मैंने पढ़े थे, तो बंगला लिपि ही के प्रति तो हमारे मन में बहुत कृतज्ञता है। मैं भाषा नहीं जानता, क्योंकि मैंने लिपि में बंगला पढ़ा। देखो, प्रेम का ऐसा पढ़ गया विवरण, क्या विवरण। अपने को सुख देने के लिए जब कोई काम करते हैं तो वो काम हो गया, और प्रियतम को सुख देने के लिए जब कोई काम करते हैं तो उसका नाम प्रेम हो जाता है। बार बराबर फर्क है प्रेम। इसी से रासलीला का वर्णन करते समय वल्लभाचार्य जी ने कहा, क्रिया सर्वापि सैवात्र, ये मेरा नाम नहीं रहेगा, तुम्हारा नाम रहेगा।
आप लोग तो कहानी और उपन्यास क्या क्या पढ़ते हैं सुनते हैं, और जरा कभी हमारी पौराणिक कहानियों पर भी तो ध्यान दें, इन कथा वार्ताओं पर भी तो ध्यान दें। उसके बाद जमुना जी ने अपना सर्वस्व गंगा जी को दे दिया, छोटी बहन को। बड़ी बहन ने अपना नाम तक छोटी बहन को दे दिया। ये हैं जमुना जी, ये जमुना जी हैं। तो ये द्वारका में कालिंदी पटरानी बनकर रहती हैं, इंद्रप्रस्थ में तपस्या करती हैं, और ये तो प्रिया प्रियतम का श्वेत बिंदु है, ऐसा विहार कालीन श्वेत श्वेत बिंदु है, ऐसा भी ब्रज में बोलते हैं। तो इस जमुना जी के पेट में, माने इस प्रेम की धारा में, इस प्रेमदायिनी जमुना में काली नाग की उपस्थिति बड़ी भयंकर है। काली यह इंद्रियाण्याहुः विषयास्तद विषम स्मृतम्। इंद्रिय का नाम है काली, काली नाग। ये इंद्रियाएं डसती हैं, डसती हैं। बिना भगवान के चरणारविंद का आघात प्राप्त हुए इनमें पवित्रता आ ही नहीं सकती। तो अपने इंद्रिय और इंद्रिय के विषयों को शुद्ध करने के लिए काली नाग की लीला है। और यमुना जी निर्विष हो गई, पशु पक्षी मनुष्य ब्रजवासी सबके लिए जमुना जी कल्याणकारिणी हो गई। यद्यपि श्री कृष्ण ने अपने को विष के, देखो एक मनुष्य के लिए आदर्श क्या है, अपने को विष के कुंड में डालना पड़े, अपने को सांप के सिर पर नाचना पड़े, अपने को सांप के बंधन में बंधना पड़े, अपने कष्ट पर दृष्टि न रख करके सबकी भलाई के लिए जो काम है वो सत्पुरुष करते हैं। ये आदर्श है। और क्या सुना मैं आपको? अच्छा, केवल यही नहीं, जीवन सुखी रहना चाहिए। वर्षा ऋतु और शरद ऋतु का वर्णन है, भगवान श्री कृष्ण उनमें विहार करते हैं। आप समय का ठीक ठीक सदुपयोग कीजिए और हर समय सुखी रहिए। ये जो कुछ हो रहा है उसमें किसी में भी ये सामर्थ्य नहीं है कि आपके सहज सुख में बाधा डाल दे। सुखमस्य आत्मनुरूपम्, इस आत्मा का स्वरूप है सुख। और दुनिया में सब चाहते हैं इस आत्म सुख को। हमको तो जब कोई ईश्वर की कृपा कुछ ऐसी है कि जो दुनियादारी की दृष्टि से आगे बढ़ता है, वो सोचने लगता है कि आध्यात्मिक जगत की बात भी हम ही समझेंगे, हम ही समझते हैं। उनके मन में ऐसी कल्पना बन जाते हैं। हमको कई बार मिलने का काम पड़ता है, आप समझो कि सन 35 से ही हम भौतिक दृष्टि से संपन्न लोगों के बीच में मिलते जुलते रहे। अच्छा, यदि सब अध्यात्म और सारा आदिदैव तुम ही समझोगे तो हम लोगों के हाथ क्या रहेगा? अरे, हमारे पास भी एक ऐसी पूंजी है भाई जैसे तुम्हारे पास आधि भौतिक पूंजी है, हैं? जैसे तुम्हारे पास आधि भौतिक पूंजी है वैसे हमारे पास भी आध्यात्म आधि दैविक पूंजी है। कह दें तो भगवान देखो रोटी चाहिए हमको यहाँ, और बरस जाए हमारे पास आधि दैविक सामर्थ्य, हमारे पास आध्यात्मिक सामर्थ्य है। अब सब एक ही के पास चले, हमारे पास नहीं है आदि भौतिक सामर्थ्य, छोड़ो। तो लोग कहते हैं हमारे तो पल्ले नहीं पड़ा महाराज, कुछ समझ में नहीं। अभी कहीं गए थे हम, कहीं गए थे तो वहां सुनने में आया
कि आप क्या बोलते हैं वो तो हमारे पल्ले नहीं पड़ता है। अरे भाई, हम पैसा कमाने की विधि बतावे तब आपके पल्ले पड़ेगा। तो कुछ ऐसा भी तो रहने दो जो हमारे पल्ले रहे, उसके मालिक हम रहे। तो देखो, संसार के सब लोग आप गिन के देख लो, आप सुख चाहते हो, सही बात है ना? धनी भी सुख चाहता है, गरीब भी, पंडित भी, मूर्ख भी, सब सुख चाहते हैं। अच्छा, सब समय चाहते हैं कि किसी समय? सब समय चाहते हैं। तो जो सुख सब समय रह सकेगा वही सच्चा सुख और आपका इष्ट सुख होगा। और यदि वो आपका आत्मा नहीं होगा तो सब समय कैसे रहेगा? अच्छा, आपको सब जगह चाहिए कि नहीं? सुख सब जगह चाहिए। तो यदि वो सुख व्यापक नहीं होगा तो आपका इष्ट ही नहीं होगा। अच्छा, आपको सबसे सुख चाहिए कि नहीं? तो सबसे सुख चाहिए। तो जो सब में नहीं होगा वो आपका इष्ट ही नहीं होगा। अच्छा, आपको मालूम पड़ता हुआ सुख चाहिए कि अनजाना सुख चाहिए? मालूम पड़ता हुआ सुख चाहिए ना, तो ज्ञान स्वरूप सुख आपको चाहिए कि नहीं चाहिए? अच्छा, आप अनायास सुख चाहते हैं कि श्रांत सुख चाहते हैं? अनायास सुख चाहते हैं ना। तो असल में जो सुख चाहता है वो सब समय सब जगह सबसे अनायास और ज्ञान स्वरूप सुख चाहता है। तब भाई मेरे, आप ईश्वर को चाहते हैं, आप ब्रह्म को चाहते हैं, आप प्रत्यगात्मा को चाहते हैं, भूल मत, भटक रहे, भूलो मत, भटको मत। सबका इष्ट सुखम में भूयात् दुखम में मा भूत, ये सबकी जो स्वाभाविक जिज्ञासा है वो आपके ईश्वर की ओर, आपको ईश्वर की ओर ले चलती है। तो नारायण, आप वर्षा ऋतु में भी श्री कृष्ण की तरह सुखी रहिए, शरद ऋतु में भी श्री कृष्ण की तरह सुखी रहिए।